चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है कि ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। वो क्या कह रहा है कि एक व्हील जो है वो 360 रेवोल्यूशन बनाता है कितने मिनट में? 1 मिनट में, यानी कि 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि 1 मिनट का मतलब क्या है। 1 मिनट का मतलब है इन 60 सेकेंड। तो क्या मैं इसी बात को कुछ अलग तरीके से नहीं कह सकता कि अ व्हील मेक्स रेवोल्यूशन इन 60 सेकेंड, दैट इज 360। कितना रेवोल्यूशन? 360 रेवोल्यूशन। तो इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन बनाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 1 सेकेंड में 360 अपॉन 60, इस जीरो से इस जीरो का अंतिम संस्कार किया और कितना आएगा? 6 रेवोल्यूशन, यानी कि 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि 360 रेवोल्यूशन बनाने में बनाते वक्त 1 सेकेंड में कितना एंगल टर्न होगा। तो इट्स वेरी क्वाइट इजी। 1 सेकेंड में, यानी कि 1 रेवोल्यूशन बनाने में वो 2 पाई चेंज होता है, कितना? 2 पाई। और वो 360 रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, तो 360 रेवोल्यूशन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा देखिएगा, द फाइनल सॉल्यूशन, यानी कि 2 पाई इंटू 6। 2 पाई इंटू 6 कैसे? हमें क्लियर है कि 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन बन रहे हैं? 6 रेवोल्यूशन। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि 2 पाई एंगल में कितने बनेंगे, तो आप क्या करोगे? 6 इंटू 2 पाई, तो ये कितना हो गया? 12 पाई रेवोल्यूशन, यानी कि 12 पाई रेडियन, जो क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था। एक और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वाइट इजी। वो कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल्स सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर वाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एंगल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम है रेडियस, रेडियस दैट इज आर, और वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर। एक चीज़ और मालूम है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं? एल से। वो कितना है? 22 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करने को क्या कह रहे हैं? वो हमें फाइंड करने को कह रहे हैं एंगल एट सेंटर, कि सेंटर पर एंगल कितना फॉर्म हो रहा है। तो अगर वो फाइंड करने को कह रहे हैं, इसका मतलब थीटा फाइंड करने की बात कर रहे हैं। और थीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कहीं पर, क्या लिखाया था? एल इक्वल टू आर थीटा। आपको एल पता है, आर पता है, थीटा नहीं पता, तो थीटा ही तो फाइंड करना है। तो वो क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर। अब वैल्यूज प्लेस कीजिए। एल की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज 22, और आर आपको पता है 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.22 रेडियन। और अगर आपको इसको किस में चेंज करना हो? डिग्री में। आई थिंक आंसर तो ये भी ठीक है कि 0.22 रेडियन, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डिग्री पे चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? 0.22 इंटू किससे करेंगे? जिससे आप मल्टीप्लाई बार बार करते हैं, दैट इज़ 180 डिग्री अपॉन पाई। और पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो पाई की वैल्यू रखने पर ये क्या होगा? ये होगा 0.22 180 अपॉन पाई, और यहाँ पर पाई की जगह पर क्या हो जाएगा? 22, और ये 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा आपका 12 डिग्री 36 मिनट। और वो क्या आया आपका? एंगल क्या आया?
एंगल। डिग्री में भी कोई बुराई नहीं है और रेडियन में भी कोई बुराई नहीं है, दोनों ही सही आंसर हैं आपके, दोनों को आप यूज़ कर सकते हो, जो मर्जी लिखिए, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, इसको हम कैसे लाए हैं, वही डिवाइड करने वाला मेथड जो आपको मैंने पीछे बताया है लास्ट दो क्वेश्चंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज डी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब जो रेडियस होगी वो पता लग गई, और वो कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। और क्या पता है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपको लेंथ पता है किसकी, कॉर्ड की, वो भी लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द कॉर्ड दैट इज 20 सेंटीमीटर। और कुछ पता है क्वेश्चन में, कुछ नहीं पता। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी कि आपको एल पता करना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको एंगल भी नहीं पता है, यानी कि जिस थीटा की आप बात कर रहे हैं ये भी आपको नहीं पता है, और ये भी आपको पता करनी है। तो इट्स क्वाइट इजी। क्वेश्चन को दोबारा समझिए कि उन्होंने कहा है कि एक सर्कल है, मैं उस सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा, कुछ इस तरीके से रफली अज्यूम कर लीजिएगा। इस सर्कल में कहीं पर एक सेंटर है और उससे मैंने रेडियस बना दी, रेडियस की लेंथ दैट इज 20, तो ये भी 20 होगी। कॉर्ड मुझे मालूम है, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होती है ये लेंथ, इन दो पॉइंट को जोड़ने वाली लेंथ, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो 20 दी है। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको ए कहूँ और इसको बी कहूँ और इसको सी कहूँ, तो एक बात बड़ा क्लियर हो गई कि एक ट्रायंगल निकल के आया, दैट इज ए बी सी, जिसकी तीनों ही साइड कितनी हैं, 20 हैं। और अगर तीनों ही साइड 20 हैं, इसका मतलब ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल तीनों क्या है, इक्वल हैं। क्या पता लगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, देयर फोर इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो हमें थीटा पता लग गया 60 डिग्री, कितना पता लग गया, 60 डिग्री, यानी कि आपको ये चीज़ पता लग गई। चलिए अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या था हमारा फॉर्मूला, अगर हमें याद हो, एल इक्वल टू आर थीटा, एल मुझे फाइंड करना है, आर मुझे पता है दैट इज 20 और ये 60। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, कैलकुलेट कैसे करूँगा, चेंज करके, ये क्योंकि डिग्री में है तो 60 इंटू क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, और पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये जो आपके पास बचेगा, ये बचेगा 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो देयर फोर वी कैन राइट लेंथ ऑफ द आर्क इज 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आई डोंट थिंक सो कि आपको क्लियर ना हो। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चंस और हैं, तो 6 को देखते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 6 में गिवन है, इफ़ टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। वो कह रहे हैं कि दो सर्कल हैं आपके पास, एक सर्कल आपका ये है, एक सर्कल आपके पास दूसरा कोई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों का कोई एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है, क्वेश्चन में गिवेन है, वो कह रहे हैं दोनों का आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क क्या है, सेम लेंथ का है, यानी कि ये भी एल है तो ये भी एल है, फर्स्ट थिंग इज दैट।
दूसरा उन्होंने कहा है कि एक का एंगल 60 डिग्री है और एक पर एंगल 75 डिग्री है। हमें क्या पता करना है, रेडियस पता करनी है, यानी आर वन ये है और आर टू ये है। तो पहले मैं डेटा को लिख लेता हूँ, डेटा किस तरीके से है। आर वन एंड आर टू की वो बात कर रहे हैं जो हमें फाइंड करनी है। थीटा वन आपका 60 डिग्री है, थीटा टू 75 डिग्री है। लेंथ ऑफ द आर्क एल बराबर है एल के। तो चलिए बात करते हैं, फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आर वन थीटा वन, और इसके लिए क्या हुआ, एल इक्वल टू आर टू थीटा टू। तो एल से एल कैंसिल हुआ, आपको मालूम है इस एल से एल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं आर वन थीटा वन इक्वल टू आर टू थीटा टू। तो फाइनली जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा और एसोसिएट करूँगा तो क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर सिंपली आर वन अपॉन आर टू फाइंड कर लेता हूँ, और ये हो जाएगा थीटा टू अपॉन थीटा वन। और ऐसा ही करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, तो थीटा टू की वैल्यू दैट इज 75 डिग्री अपॉन 60 डिग्री। तो कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा कुछ 5:4। सो इट्स अ क्वाइट ईजी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। और क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दैट इज व्हाट, फाइंड द एंगल ऑफ द इन द रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड इट्स टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि अगर उसका जो आर्क है वो 10 सेंटीमीटर बनता है कब, जब पेंडुलम की लेंथ 75 डिग्री हो, 75 सेंटीमीटर हो। तो बेसिकली पेंडुलम होता क्या है, अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, पेंडुलम कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर बॉब लटका होता है, दैट इज़ कॉल्ड बॉब। ये जो लेंथ है इसको वो उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी दी है, 75 सेंटीमीटर। अब ये बॉब जब इस तरीके से हिलेगा, इस तरीके से ये इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से जब ये मूव करेगा तो मूव करने पर जो लेंथ बन रही है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वो 10 सेंटीमीटर बन रही है, करेक्ट। और आपको मालूम है जब मैं इसको पूरा मूव कराऊंगा इस तरीके से तो एक सर्कल बनेगा, और सर्कल अगर बनेगा तो मुझे एक बात क्लियर हो गई, ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गई, क्या हो गई, रेडियस। तो यानी कि मुझे एक्चुअली क्या पता है, मुझे एक्चुअली रेडियस पता है दैट इज 75 सेंटीमीटर, एल पता है दैट इज मुझे 10 सेंटीमीटर, और मुझे एंगल फिगर आउट करना है कि कितना होगा। तो हमें क्या पता है, एल इक्वल टू आर थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए एल अपॉन आर लिखना पड़ेगा, और एल इज़ वॉट, 10 अपॉन 75। और अगर ये 10 अपॉन 75 है तो आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन 15 रेडियन। क्या आ गया, 2 अपॉन 15 रेडियन। और आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये 2 अपॉन 15 रेडियन कैसे आया है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी का ट्राई करते हैं, सेकंड पार्ट के लिए। यहाँ पर ये चेंज किया है, यानी 10 चेंज किया है इन्होंने, और क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। और अगर 15 सेंटीमीटर दे दिया तो मैं अब सीधा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, क्या है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी कि एल कितना इस टाइम, 15/75। और ये कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद आपको मालूम है 5 3 5 1/5 रेडियन। तो आई होप कि आपको यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन जो इसका मैं कराता हूँ आपको, दैट इज़ व्हाट, थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में आपको जो लेंथ है बॉब की वो आपको 21 सेंटीमीटर दे दी है। तो अगेन वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्या होगा, थीटा इक्वल टू दैट इज़ 21/75 1 रेडियन। और जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद 7/25 रेडियन की थीटा मिल जाता है। तो आई होप कि आपको
ये जितने भी क्वेश्चंस थे इनको क्लियर कर दिए हैं, तो आपको क्लियर होंगे। अच्छा एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, आप लोग सोच रहे होंगे सर इतने एग्जाम्पल तो कराए नहीं है, तो एग्जाम्पल्स की अलग वीडियो होगी जिसमें इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स को एक साथ कराया जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1 जो यहाँ पर फिनिश हुई। कहाँ पर? यहाँ पर फिनिश हुई क्या? एक्सरसाइज 3.1 एंड अप। तो आई होप कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इसके जब एग्जांपल्स कराऊं तो उनको भी आप ध्यान से करें।